व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हो फायर गेमिंग यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंशिएंट ओएस के लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 बेस्ड अपडेट की, जो आपको मिलता है लॉट्स ऑफ कस्टमाइजेशंस के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्री इंस्टॉल्ड कैमरा की। तो आपको मिल जाता है ये ब्लू वाला कैमरा, आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो या फिर अपने अकॉर्डिंग कोई भी जीकेम इंस्टॉल कर लेना। लॉन्चर की बात करें तो रोम के जीएप्स बिल्ड में आपको मिल जाता है पिक्सल लॉन्चर। QS पैनल का UI आप देख सकते हैं, इसे भी कस्टमाइज करने के काफी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। सेटिंग्स में जाने पर आपको कुछ इस तरीके का UI देखने को मिलता है, आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। अबाउट फोन में जाने पर आपको कोई एंड्रॉइड वाला सेक्शन देखने को नहीं मिलता, बट जो आप देख सकते हैं आपकी बॉटम बार है, इसमें फोर्थ आइकन पर टैप करने के बाद आपको सभी इन्फो मिल जाएगी। एंशिएंट वर्जन आपको मिलता है 6.2, एंड्रॉइड 12 पे बेस्ड रोम आपको मिल जाती है। सिक्योरिटी पैच आपको मिल जाता है लेटेस्ट जनवरी का, और जो कर्नल यहाँ पे यूज किया गया है वो है एंशिएंट 12। इसके बाद सिलिनक्स स्टेटस आपका इन्फोर्सिंग है। सिस्टम में आपको अपडेटर मिल जाता है, OTA अपडेट्स को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिक्योरिटी में आपका फिंगरप्रिंट अनलॉक प्रेजेंट है। इसके बाद डिस्प्ले में आपको यूजुअली मिलने वाले सभी ऑप्शंस तो मिलेंगे, बट जो डार्क थीम वाला ऑप्शन है उसमें जाने पर आपको काफी सारे डार्क थीम्स देखने को मिल जाएंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जितनी डार्क थीम्स आपको एंड्रॉइड 11 में मिलती थी वो सभी आपको यहाँ भी मिलेगी, और सभी थीम्स आपको फुली वर्किंग मिल जाती है। अब बात करें रोम के बैटरी बैकअप की, तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो स्टॉक कर्नल के साथ आपको 6 to 7 आवर तक का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। नोटिफिकेशन में आपको नोटिफिकेशन रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके बाद एप्स में आपको कोई गेम सेटिंग्स या गेमिंग डैशबोर्ड देखने को नहीं मिलता, बट इस रोम में आपको सेपरेटली एक गेमिंग मोड मिल जाएगा। बॉटम बार के सेकंड ऑप्शन पर टैप करने पर आपके सामने आ जाता है कस्टमाइजेशन वाला सेक्शन। स्टेटस बार वाले सेक्शन में आपको वोल्टी आइकॉन, बैटरी इंडिकेटर, ट्रैफिक इंडिकेटर के साथ ही और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। काफी सारी कस्टमाइजेशंस भी आपको मिल जाएंगे, जिन्हें आप चेकआउट कर लेना। रोम में कस्टमाइजेशंस बहुत ज्यादा है, इसलिए अगर मैं सभी आपको बताऊंगा तो वीडियो का साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा। बट अगर आपको एंशिएंट ओएस के इस अपडेट के सभी कस्टमाइजेशंस को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। थीम्स वाले सेक्शन में सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है सेटिंग्स होम पेज थीम वाला, तो इसे भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखा देता हूं। सेटिंग्स का होम पेज की कोई भी थीम सिलेक्ट करने के बाद आपको बैक आ जाना है और इसे रिसेंट से भी क्लियर कर देना है। इसके बाद जब आप ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सेटिंग्स का पूरा UI चेंज हो चुका है। डार्क थीम्स भी आपको काफी सारी मिलती है। इसके बाद फॉन्ट्स आइकॉन पे एक आइकॉन शेप में भी आपको काफी ऑप्शन मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सेट कर सकते हैं। कॉर्नर रेडियस स्टाइल वाला भी एक ऑप्शन आपको मिलेगा, और कस्टम एक्शन कलर का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। क्विक सेटिंग्स में आपको क्विक पुल डाउन, स्मार्ट पुल डाउन वाले ऑप्शन के साथ ही और भी कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जिन्हें आप चेकआउट कर लेना। बटन्स में आपको बटन रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे। इसके बाद पावर मेन्यू में आपको मिल जाता है एडवांस्ड रिबूट। जेस्चर में आपको मिल जाता है AOSP जेस्चर, जिसमें आपको मिल जाएगा 100 मोड और सिस्टम नेविगेशन। सिस्टम नेविगेशन में जाकर आप 2 बटन 3 बटन या जेस्चर नेविगेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। जेस्चर नेविगेशन बार से रिलेटेड भी आपको काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे। AOSP जेस्चर से बैक आने पर आपको डबल टैप टू स्लीप वाले दोनों ऑप्शन यही मिलेंगे। इसके बाद 3 finger screenshot का ऑप्शन भी आपको यहीं मिल जाता है। नेविगेशन बार वाले सेक्शन में आपको नेविगेशन बार के काफी सारे स्टाइल्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो बैटरी वाला ऑप्शन आपको मिलता है, इसमें आपको बैटरी सेवर से रिलेटेड कुछ और ऑप्शंस मिल जाएंगे। मिसलिनियस में भी आपको काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं, और साथ ही आपको मिलता है गेम स्पेस। इसके नीचे आपको फ्रेम रेट इन स्क्रीन रिकॉर्डर वाला भी एक ऑप्शन मिलेगा। गेम स्पेस में आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना, और गेम लिस्ट में आप अपने गेम्स को ऐड कर सकते हैं। बॉटम में जो आपको अबाउट सेक्शन मिलता है, यहाँ से आप एंशिएंट ओएस टीम की इन्फो देख सकते हैं। बॉटम बार का जो थर्ड ऑप्शन है, इस पर टैप करने पर आपको QS पैनल और लॉक स्क्रीन क्लॉक से रिलेटेड ऑप्शंस के साथ ही और भी काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सभी ऑप्शंस को आप जरूर से चेकआउट कर लेना। अब बात कर लेते हैं डिवाइस के सर्टिफिकेशन की। तो विदाउट रूट आपका डिवाइस सर्टिफाइड रहता है, विदाउट रूट आप बैंकिंग एप्स यूज कर सकते हैं।
इसके बाद गूगल फोटोज में आपको अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज मिल जाता है। कैरियर वीडियो कॉल आपका वर्किंग नहीं है। अब बात कर लेते हैं रोम के स्मूथनेस की, तो स्मूथ रोम आपको मिल जाती है। यूआई में आपको कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा। स्मूथ एनिमेशन आपको मिलते हैं और एक ओपनिंग स्पीड कुछ इस तरीके की मिल जाएगी। रिसेंट पैनल में आपको सिलेक्ट और स्क्रीनशॉट के ऑप्शन मिलेंगे। लेफ्ट कॉर्नर में मिल जाएगा क्लियर रोल का ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं गीकबेंच स्कोर्स की। कुछ इस तरीके के स्कोर्स आपको मिलते हैं स्टॉक कर्नल के साथ। सिंगल कोर आपको मिलता है 507 और मल्टी कोर मिलता है 1473। सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट को 5 मिनट तक स्टॉक कर्नल पर रन करने के बाद कुछ इस तरीके का थ्रॉटलिंग ग्राफ और जीआईपीएस स्कोर आपको मिलेंगे। अब बात करें इस रोम के गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो गेमिंग परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाती है। नॉर्मल गेमिंग आप इस रोम पे कर सकते हो। नॉर्मल गेमिंग में आपको कोई ज़्यादा इश्यू नहीं आएगा, बट 60 FPS में मस्त वाली गेमिंग आप इस रोम पे नहीं कर सकते। अगर आपको कोई एंड्रॉयड 12 वाली रोम चाहिए जिसमें आपको लॉट्स ऑफ कस्टमाइजेशन मिल जाए और यूआई भी स्मूथ हो, तो ये रोम आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं।